गाइज वेलकम टू अग्रवाल एंड गुप्ताज व्लॉग। सो आज का व्लॉग है पंचमुखी हनुमान मंदिर का, जो कि यमुनानगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसका संबंध महाभारत काल से ही बताया जा रहा है। ये मेन द्वार यहाँ पर मंदिर का स्टार्ट हो जाता है। मंदिर लगभग 170 वर्ष पुराना है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शुक्ल पक्ष में भंडारा लगाने के लिए 2 से 2.5 साल की वेटिंग चलती है। ऐसी लोगों की अगाध श्रद्धा है। तो जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ते में ये शॉप्स आएंगी। तो यहाँ पर ये जो शॉप्स हैं यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से खरीद सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ से हम मंदिर में अब एंट्री करेंगे, ठीक है। मैंने प्रसाद परचेज़ कर लिया है, ठीक है। मैं प्रसाद ले चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में नारियल फूलमाला है और मैं मंदिर में अब एंट्री कर रही हूँ। तो अब इस मेन टाइम में मैं आपको बता देती हूँ कि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव यहाँ ठहरे थे और उस टाइम उनको वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उस दौरान तो ये जो पूरा का पूरा कहते हैं ना मंदिर परिसर की अब जो जगह आप देख रहे हो ये जंगली हुआ करता था। और करीब 400 वर्ष की तपस्या के दौरान बाबा जानकीदास महाराज जी को ढाक के पेड़ पर हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तो वो ढाक का पेड़ अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मंदिर परिसर के बाहर भी है एक पेड़ और मंदिर परिसर के अंदर भी है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, मेन एंट्री कर रहे हैं जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो वो क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ पर मिट्टी की प्रतिमा हुआ करती थी। 1990 में वो प्रतिमा खंडित हो गई, उसके बाद इस प्रतिमा को स्थापित किया गया। पंचमुखी हनुमान जी की भव्य मूर्ति आप बोल सकते हैं यहाँ पर स्थापित की गई 1990 के बाद। तो पंचमुखी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान जी उनके 5 मुख हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही मुख कैप्चर होगा क्योंकि साइड पूरी कवर की हुई है, फैंसीज लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो परिक्रमा करते दौरान राम 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 लिखा हुआ है। तो जैसा कि कहा जाता है हनुमान जी तो राम के बिना अधूरे हैं, है ना दोस्तों। तो एक चीज़ और, यहाँ पर जो मंदिर परिसर में इनकी अपनी गौशाला है, छोटा सा मैंने व्यू कैप्चर करने की कोशिश की है, होप सो आपको नज़र आया होगा। ये मेन मंदिर का परिसर में जहाँ पर हनुमान जी के मैं जूम करके दिखाऊंगी आपको दर्शन होते हैं। यहाँ पर आप बैठकर आराम से पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, उनका पाठ पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, जिससे सारे दुख दर्द सब नष्ट हो जाते हैं। इतनी ताकत होती है हनुमान जी के पाठ में, तो वो मैंने किया है यहाँ पर बैठकर। और अभी आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ, आपको एक मुख तो हनुमान जी का ज़रूर नज़र आएगा। तो ये मैं कैमरा जूम कर देती हूँ तो होप सो आपको नज़र आएगा। ये देखिए ये हैं पंचमुखी हनुमान जी। तो कई लोग सेवा करते हैं तो उन्होंने ऐसे मतलब संडे में छोटा सा भंडारा रखा हुआ था श्रद्धालुओं के लिए। वैसे जो बड़ा भंडारा है वो मंगलवार को चलता है। तो गार्डन है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये वृक्ष है जो मैंने आपको बताया था, ढाक का वृक्ष है। तो होप सो दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।